उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि उस दिन उसके साथ होने वाला क्या है। सीन शुरू होगा, डायलॉग शुरू होंगे, तुमने उसे पानी में धक्का दे देना है। क्या? कौन है ये इतनी रात को? एक्चुअली ये मेरा ट्रेनर है, शूट के बाद यही टाइम मिलता है ना वर्कआउट के लिए, तो बस वही करवाने आया। तुम एक काम करो, लाउंज में बैठो जाके, मैं आती हूँ, सीन डिस्कस कर लूँ जरा। तुम खिसके हुए तो नहीं हो, मैनर्स क्या है तुम्हारे? इंसान नॉक करता है दरवाजे पर। देखो, मैं जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ तुम उसे समझ नहीं सकोगी। मुझे बस इतना बता दो, जिसके साथ तुम बैठी हुई थी वो अपनी माँ की कसम खाकर बस इतना बता दो कि वो सिर्फ यहाँ काम के लिए आया था और तुम्हारा उसके साथ कुछ। तुम जैसे लोग मीडिया की लड़की को समझते क्या? ये हमारा प्रोफेशन है, हमें 10 तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन तुम जैसी छोटी जहनियत के लोग हमेशा गलत ही सोचते हो। तो सोचते रहो कौन किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम समझ ही नहीं सकते इस दुनिया के रंग ढंग। चंचल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? मेरी जिंदगी में मोहब्बत की कोई जगह नहीं है, मुझे इस माहौल में एडजस्ट होना है। एक एम्बिशियस लड़की बर्दाश्त क्यों नहीं हो पाती तुम जैसे लड़कों से? मुझे बहुत आगे जाना है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े प्रपोजल्स हैं। जब मैं उन्हें लात मार सकती हूँ तो तुम क्या चीज हो? तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों की ना यही मनुष्यत होती है, जहाँ किसी लड़की ने हंस बोल लिया या कुछ खा पी लिया, तुम लोग फौरन मुस्तकबिल के शौहर बनने की प्लानिंग शुरू कर देते हो। लानत है ऐसी सोच पर। कल से मत आना, मैं ऐसे माहौल में ट्रेनिंग नहीं कर सकती।